दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे सेक्स एजुकेशन सीजन 4 फाइनली हिंदी में रिलीज हो चुका और ये सीरीज की शुरुआत यंग स्टूडेंट के सेक्स लाइफ पे बेस्ड है, जहां बहुत सारे टर्म जैसे कि सेक्सुअल कंफ्यूजन, जेंडर फ्लूइडिटी और ऐसे कई सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से दिखाया है, वो भी फुल खपाखप वाले सीन के साथ। तो आखिर इस सीरीज का फिनाले ठीक है या हमेशा की तरह नेटफ्लिक्स ने सीरीज का कचरा किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सीजन 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 3 एंड हुआ था, मतलब मेव मॉडल स्कूल और शहर दोनों छोड़ के अपने हीरो ओटिस को टाटा बाय बाय करके नई सिटी में शिफ्ट हो गई है और यहाँ मॉडल स्कूल बंद हो चुका है और ओटिस और उसका लंगोटिया यार एरिक अभी कैवेंडिश 6th फॉर्म कॉलेज में है। ये कॉलेज के कुछ अपने तरीके हैं जो सीरीज के कैरेक्टर पे क्या प्रभाव डालेंगे और क्या आखिर ओटिस और मेव एक साथ में दिखेंगे या फिर ओटिस और रूबी की जोड़ी बनाई जाएगी, जो सब देखने के लिए बेताब है। तो क्या होगी आखिर सीजन 4 की एंडिंग, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज का सीजन 4 देखना होगा। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो सारे कास्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है और कई इमोशनल मूवमेंट आपको डेफिनेटली हिट करेंगे। सीरीज का डायरेक्शन भी बेहतर है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो जिस तरह से सीरीज का एंड हुआ है तो स्पिन ऑफ शोज भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से क्वेश्चन और चीजों को क्लियर नहीं किया। मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 4 को 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, मतलब एक अच्छा शो जिसे आप सैटरडे नाइट को अकेले में एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।